हेलो फ्रेंड्स, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी पड़ने की वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ही हम आपके साथ एक ऐसा ड्रिंक शेयर करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी तो पूरी ही होगी, साथ ही इस ड्रिंक को लेने से हमारा खाना भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इस ड्रिंक का नाम है पुदीना नींबू शरबत, या इस ड्रिंक को आप मिंट लेमोनेड भी बोल सकते हैं। तो चलिए पुदीना नींबू शरबत बनाना शुरू करते हैं। पुदीना नींबू शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 नींबू लिए हैं और अब हम इन नींबू को हाथों से हल्का सा रब करेंगे। रब करने की वजह से नींबू सॉफ्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से नींबू से रस आसानी से निकल आएगा। लेकिन नींबू को रब करते समय हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि नींबू को हमें बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, नहीं तो नींबू के रस में कड़वापन आ जाएगा। नींबू को रब करने के बाद अब हम यहाँ पर नींबू को कट करेंगे। हम यहाँ पर केवल 2 नींबू को ही कट करेंगे। नींबू को कट करने के बाद अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इस जार पर रखेंगे एक स्टेनर, और इस स्टेनर पर हम सारे कट किए हुए नींबू के रस को निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमने सारे नींबू का रस निकाल लिया है और अब हम स्टेनर को हटा देंगे। स्टेनर को हटाने के बाद अब हम जार में डालेंगे ढेर सारा फ्रेश पुदीना। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक कटोरी पुदीना लिया है जिसे हमने अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, साथ ही इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक। काला नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। जीरा पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिल्ड वाटर, और चिल्ड वाटर डालने के बाद अब हम जार को बंद कर देंगे और इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, हमने सभी को अच्छे से पीस लिया है और इसको पीसने के बाद अब हम इसे छानेंगे। इसे छानने के लिए हमने यहाँ पर एक सर्विंग बोल लिया है और इस बोल में हम रखेंगे एक स्ट्रेनर, और इस स्ट्रेनर की सहायता से हम इसे छान लेंगे। और ये देखिए, हमने पुदीना नींबू शरबत को अच्छे से छान लिया है और देखिए छानने के बाद इसका कलर कितना सुंदर आया है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। पुदीना नींबू शरबत को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास लिया है और अब हम इस ग्लास में डालेंगे आइस क्यूब। आप चाहें तो आइस क्यूब को क्रश करके भी डाल सकते हैं। आइस क्यूब डालने के बाद अब हम ग्लास में डालेंगे पुदीना नींबू शरबत। पुदीना नींबू शरबत ग्लास में डालने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे गार्निशिंग के लिए एक नींबू की स्लाइस, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिंट लीफ। मिंट लीफ डालने के बाद ये देखिए, फाइनली पुदीना नींबू शरबत सर्व होने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसमें पानी की जगह पे सोडा वाटर का यूज करके इस ड्रिंक को मॉकटेल की तरह सर्व कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो इस ड्रिंक को व्रत में भी ले सकते हैं। बस आप इसमें काले नमक की जगह पर सेंधा नमक का यूज करें। तो आपको हमारी ये पुदीना नींबू शरबत या मिंट लेमोनेड की रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस गर्मी पर इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। मुझे यकीन है कि अगर आपने इस रेसिपी को एक बार बनाकर पी लिया तो आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे और साथ ही आप अपने मेहमानों को भी पिलाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।